न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 1,532.38 लाख से निर्मित मिनी नेक्सी भवन का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। मिनी नेक्सी भवन में 225 लोगों के साथ बैठक करने सहित अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध। सीएम योगी ने किया एसबीआई के आंचलिक कार्यालय का लोकार्पण। कहा उत्तर प्रदेश में है विकास की अपार संभावनाएं। कुशीनगर और सहारनपुर में हुई मौत पर प्रदेश सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। दोनों जिलों के जिला आबकारी अधिकारी और सर्किल अधिकारी को किया निलंबित। आबकारी मंत्री ने कहा घटना में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा 24 फरवरी को छोड़ देंगे एनडीए। लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर उतारेंगे अपने पार्टी के प्रत्याशी। नवनिर्मित मिनी एनएक्सी भवन में सीएम योगी ने की पहली बैठक। 23 और 24 को होने वाले भाजपा किसान मोर्चा के सम्मेलन की सफलता की बनाई रणनीति। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ऐतिहासिक महिला हॉकी टेस्ट के दूसरे मैच के लिए गोरखपुर पहुंची भारत और फ्रांस ए टीम। हुआ भव्य स्वागत। भारतीय टीम की कप्तान ने कहा गलतियों से सबक लेकर दूसरे मैच में करेंगे बराबरी। गोरखपुर में शुरू हुआ कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस का व्यापक अभियान। एसएसपी ने कहा इस अवैध कारोबार में लिप्त किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, होगी दंडात्मक कार्रवाई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ शादी के अटूट बंधन में बंधे 180 हिंदू तथा 20 अल्पसंख्यक वर्ग के जोड़े। बेलीपार थाना क्षेत्र में मिली एक अधेड़ की लाश, तफ्तीश में जुटी पुलिस। एसपी साउथ ने कहा पोस्टमार्टम के बाद होगी स्थिति स्पष्ट। संचारी रोग और फाइलेरिया नियंत्रण के लिए सीएमओ ने जारी किया जागरूकता पोस्टर। कहा 10 फरवरी को 7 जिले के लिए 23 संचारी संदेश वाहिनी को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मानदेय बढ़ोतरी सहित अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोईया महासंघ ने सम्मेलन का किया आयोजन। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा मांगे हैं जायज, मुख्यमंत्री से करेंगे वार्ता। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन इकोनॉमी विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित हुई उभरता भारत नई आशाएं विषयक छात्रा पंचायत। मतदान के प्रति छात्राओं को किया गया जागरूक। और आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन का काम बंद कलम बंद हड़ताल रहा जारी। कहा नहीं मिला ठोस आश्वासन, कल लखनऊ करेंगे कूच।